Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to read our poem, The Way Through the Woods, on your book page number 105. So open your books. The Way Through the Woods, matlab jungalon mein se raasta. Sabse pehle hai words meaning. Anemones, kinds of plant, matlab paudon ki kism. Canter, easy gallop of horse, matlab ahista bhagna. Copse, a small wood of undergrowth and small trees, copse. इसको कोप्स ही कहते हैं ना, ये छोटे दरख जो होते हैं ना बिल्कुल ज़मीन के साथ. हीथ, बेयर फ्लैट पीसेज ऑफ लैंड कवर्ड विद श्रब्स, मतलब एक ऐसी जगह होती है ज़मीन की जहाँ पे जो है वो छोटे 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 पौधे लगे हुए होते हैं. कीपर, द गेम कीपर और वॉचमैन हु सीज दैट नो आउटसाइडर्स कम इन टू द वुड टू शूट द एनिमल्स, मतलब रखवाली करने वाला. ऑटर, अ फेरी फिश ईटिंग मैमल बिलोंगिंग टू द वीजल फैमिली, मतलब एक फ़िश ईटिंग मैमल्स होते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ फैमिली होती है एनिमल्स की जो कि फ़िशेस खाते हैं, स्पेशली फरी होते हैं बहुत. ट्राउट, अ काइंड ऑफ फ़िश, एक मछली की किस्म होती है ट्राउट. नाउ लेट्स रीड. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years अगो, वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगैन एंड नाउ यू वुड नेवर नो. देर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, इट इज़ अंडरनीथ द कोपाइस इन हेल्थ and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ringed dove broods, and the badgers roll at ease. There was once a road through the woods. Yet, if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods, because they see no few. They see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods. But there is no road through the woods. Rudyard Kipling. So ye ho gayi reading. Ab iske explanation ki taraf chalte hain. Pehle hum first stanza ki karenge, uske baad hum second stanza par aayenge. Theek hai? They shut the roads through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know. There was once a road through the woods before they planted the trees. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ringed dove broods and the badgers roll at ease. There was once a road through the woods. अब हमें क्या बता रहे हैं? उन्होंने बात की है basically jungles, jungle में से जो एक रास्ता निकला था उसकी. तो वो कह रहे हैं एक ज़माना था जब यहाँ से एक रोड गुजरती थी जो उन्होंने बंद कर दी. वजह क्या थी? ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में, मतलब 70 साल पहले क्या हुआ था, मौसम मतलब बारिशों ने क्या किया था, उस सड़क का वजूद ही मिटा दिया था. और आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि यहाँ कोई रोड होगी. और इन दरख्तों और पौधों के उगने से पहले इन दरख्तों के कॉपिस कहते हैं, दरख्तों के कटे हुए तने, और झाड़ के नीचे एनिमोन्स यानी फूल पौधे के नीचे कभी ये रोड गुजरती थी. अब वहाँ जंगल जैसा है और सिर्फ वो कीपर यानी जो रखवाला है, जंगल की देखभाल करते हैं, वही उन मज़ेदार मनाजिर को देख सकता है. और अब वहाँ बड़ी अच्छी सी परिंदे बर्ड यानी कि डव रिंग यानी कि कबूतर को अपने अंडों पर बैठती है, मतलब सिर्फ वहाँ पे परिंदे हैं और जो रखवाला है वही मौजूद होते हैं. और बैजर्स यानी बलाऊ इधर से उधर आराम से मज़े से घूम रहे हैं. ये सब सिर्फ कीपर ही देख पा रहा है. थोड़ी सी जलन महसूस हो रही थी जो हमारे पोएट हैं उनको, क्योंकि जो इन सब तमाम मज़े थे वो कुदरती मनाजिर वो अब नहीं देख सकते. उनको जो है इस एक तरफ उनको ये महसूस हो रहा है कि रोड बंद हो गई, बड़ी अच्छी सी गुजरगाह थी, एक ज़माना था हम गुजरा करते थे और लोग गुजरते होंगे, कितना मज़ा आता होगा, मगर अफसोस अब ये रोड बंद हो गई है. मगर फिर भी ये भी महसूस कर रहे हैं कि कुदरती तौर पर चीज़ें अच्छी भी तो हो गई हैं, खूबसूरती भी तो निकल कर सामने आ गई है, क्योंकि पहले वो इस्तेमाल में थी तो वहाँ पे उस तरह की प्रॉपर केयर नहीं हो पाई थी. अब जब वहाँ पे प्रॉपर केयर हो रही है तो कहने की चीज़, मतलब एक चीज़ ये भी अच्छी हुई है कि हाँ वो चीज़ बहुत बेहतर हाल में हो चुकी है और बहुत अच्छी नज़र आती है वो. तो उनकी दोनों कैफियात हैं यानी मिले जुले जज्बात हैं, बंद होने का अफसोस और ख़ुशी भी है. फिर क्या है? येट इफ़ यू एंटर द वर्ड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट when the right air cools on the trout ring pools where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there's no road through the woods. तो वो क्या कह रहे हैं? अब अगर आप दोबारा जंगल में दाखिल हो जाएंगे गर्मियों की शाम हो, मतलब उन्होंने एक खूबसूरत सी एक कैफियत जाहिर करने की कोशिश की है कि ट्राउट यानी जो एक मछली से भरे हुए तालाब हैं
अब जब उनके ऊपर से हवा गुजरती है तो वो ठंडी हो रही होती है, बड़ा अच्छा समा बन रहा होता है। जहाँ ऑटर भी जो है वो, मतलब जो काइंड ऑफ एक मैमल है जो कि फिशेस खाता है, वो भी गुनगुनाता फिर रहा अपनी मेट, मतलब अपनी साथी को बुला रहा है। तो इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जंगल में जो जानवर हैं अब और परिंदे हैं वो कितनी आज़ादी से हैं। अब उस जंगल के अंदर चूँकि आदमी कम है तो उनको आदमियों से कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनको देखते ही नहीं है, बहुत कम देखते हैं। लेकिन कभी इधर जाकर बैठ जाएं और ख्यालों में खो जाएं और सोचें कि कभी यहाँ पर और रोड भी हुआ करती थी, कैसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई में, मतलब जब वो तन्हाई में बैठकर ये चीज़ सोचेंगे तो शायद मतलब उनको पता चलेगा कि यहाँ पे तो भाई पहले लोग भी मौजूद हुआ करते थे, आप अकेले नहीं हैं। बल्कि हाँ, वो गुजरते हुए माजी के 17 साल पहले के लोग आज भी यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। तो ये सब वो जो ख्यालात इमेजिनेशन उनको महसूस की वो उन्होंने दोहराई जब उनको, तो ऐसा उनको महसूस हुआ कि एक घोड़ा उधर से गुजरता हुआ जा रहा है, उसके टापों यानी कि उसके कदमों की आवाज़ भी महसूस हो रही थी, या फिर एक लड़की जो खातून जब जब झील से गुजरती है तो उसका स्कर्ट जो है वो तालाब से जब टच होता है तो क्या होता है, एक शूशू की एक आवाज़ होती है, तो वो कुछ ऐसी आवाज़ें भी महसूस कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि आज भी यहाँ पर जो है वो हर कोई ज़िंदा है और वो घोड़ा अभी तक जो है बड़े पुरसकून अंदाज से अपने कदम बढ़ाता हुआ जा रहा है, और जो ये तन्हाइयाँ हैं, जो एक धुंध का एक समा है, वो उसकी आवाज़ें मतलब उस धुन के अंदर भी वो उन तमाम आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं, और उनको आज भी ऐसा लग रहा है कि उनको उन आवाज़ों का बिल्कुल सही पता है कि वो आवाज़ें किस तरह से कहाँ से आती थी, बहुत आराम आराम से, बहुत बग़ैर शोर किए गुजरती थी। और आज अगर वो दोबारा उन आवाज़ों को गुजरता महसूस हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन आवाज़ों को अच्छी तरह याद है कि कहाँ वो सड़क थी जहाँ है जहाँ से वो गुजरते थे, और क्या वो रास्ता था जहाँ से उनको गुजरना होता था। वो आवाज़ें ना रास्ता भटक रही हैं और ना ही कोई अजनबियत महसूस हो रही है, मतलब ये कैफियत है शायर की कि चूंकि अब वो उस जगह पे नहीं जाते लेकिन अभी भी वो वहाँ की आवाज़ों को और सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो ये आपकी पोएम थी, अब इसकी वर्ड्स मीनिंग और फर्दर वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ द पोएम द वे थ्रू द वर्ड्स एंड देन विल कॉपी डाउन द वर्ड्स मीनिंग एंड सिनोनिम एंड टोनिम एंड फर्दर एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग, शर्ट बंद करना, वुड लकड़ी, वेदर मौसम, विसल्स सीटी, एनिमोन्स पौधों की किस्म, फियर खौफ, स्टेडली तेज़ी से, कीपर रखने वाला, कैंटर आहिस्ता भागना, ऑटर नरम, मतलब एक सॉफ्ट सी हेयरी सी फ्लफी सी एक मैमल होता है वो, तो उसके बारे में। वर्ड्स एंड एंटोनियम्स, अंडरनीथ बिलो अप, प्लांटेड सो अनप्लांटेड, बीट स्ट्राइक अनस्ट्राइक, परफेक्टली एक्सलेंटली बैडली, ईज रिलीफ डिफिकल्ट, लेट टू लेट अर्ली, हेयर लिसन डेफ। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं जी। तो अब है क्वेश्चन आंसर्स, योर बुक पेज नंबर 106। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज हिडन इन द वर्ड्स, जो फॉरेस्ट था जो जंगल था उसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई थी। अब एन ओल्ड रोड दैट वॉज शट 70 years अगो इन हिडन इज हिडन इन द वर्ड्स। वो क्या कह रहे हैं कि एक पुरानी सी सड़क थी, एक रोड था जो कि 70 यानी कि 70 साल पहले जो है वो उस जंगल के अंदर पाया जाता था, अब वो जो है वो उस जंगल के अंदर छुपा हुआ है। हाउ इज़ इट हिडन, वो किस तरह से छुपा हुआ है। वेदर रेन एंड प्लांट्स हैव हिडन इट, जो वहाँ का मौसम है, बारिश है और पेड़ पौधे, उन सब ने उसको छुपा दिया है। वाई डू द एनिमल्स फेयर नॉट इन द वर्ड्स, जो हम वहाँ के जानवर हैं अब वो जो है वो उस जंगल के अंदर मौजूद लोगों से क्यों नहीं डरते। द एनिमल्स डू नॉट फेयर मैन इन द वर्ड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू ऑफ देम, चूँकि 70 साल पहले वहाँ पे रोड थी तो लोग उस टाइम पे मौजूद हुआ करते थे, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ से गुजरा करते थे। अब कोई रोड ही नहीं है तो वहाँ पे बहुत कम लोग होते थे, इसलिए जानवरों को कोई डर है ही नहीं वहाँ पर। डी वॉट मिस्टीरियस साउंड्स माइट यू हेयर इन द वर्ड्स, जंगल के अंदर तुम कौन सी जो है खुफिया किस्म की आवाज़ें सुन सकते हैं। हम मिस्टीरियस साउंड्स यू माइट हेयर इन द वर्ड्स आर एन ऑटर विस्लिंग इन ऑन टू इट्स मेट, द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू। वो बता रहे हैं कुछ जो आपके पास खुफिया आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी उस जंगल के अंदर वो क्या होंगी, कि एक मैमल की विस्लिंग होगी कि वो अपने दूसरे साथी को बुला रहा है, एक घोड़े की आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ होगी, एक कोई स्कर्ट की मतलब कोई औरत है या कोई शख्स का कोई स्कर्ट है जब वो दरिया से तालाब से टकरा दे तो उसकी शू शू करके एक आवाज़ होती है, वो चीज़ हमें सुनाई देगी। तो हमने बस ये 4 क्वेश्चंस करने थे इनमें से। अब चलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरफ। फर्स्ट वन ए, वेदर एंड रेन हैव अंडन इट अगेन, व्हाट डज द इट रेफर टू, इसके अंदर जो हमें इट है उससे क्या मुराद है। द रोड थ्रू द वर्ड्स,
मतलब वेदर और रेन ने जो है वो उस रोड को जो उस जंगल से गुजरता था उसको जो है वो अफेक्ट कर दिया है. सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू 8 ईयर्स अगो, उसके ऊपर क्या हुआ था, मतलब कुछ साल बाद या कुछ साल पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ था रोड के साथ. दे शट इट, उसको उन्होंने बंद कर दिया था, मतलब बिल्कुल वो रोड ख़त्म ही कर दिया था. व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट सिंस देन एंड हाउ हैज़ इट चेंज, उसके बाद से उसके साथ क्या हुआ और वो किस तरह से तब्दील हुआ. नाउ यू वुड नेवर नो दैट देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, इट इज़ ओवर ग्रोन, बैजेज एंड अदर एनिमल्स रोल अबाउट ओवर वेयर इट वॉज वंस पास्ट. अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो इस तरह से लगता है कि वहाँ पर कोई रोड था ही नहीं, उस जगह पे जाएंगे क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे दरख्त वगैरह उग गए, मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे एनिमल्स हो चुके हैं और चीज़ें हो चुकी हैं और जो वहाँ के रखवाला है और जो एनिमल्स वगैरह हैं वहाँ से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो पता नहीं चलता उसके वो जगह जो थी वो पहले एक रोड भी था. सेकेंड वन क्या है, एज थो दे परफेक्टली न्यू द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, हु न्यू दिस, ये चीज़ किसको पता थी, द हॉर्स एंड राइडर आर द रियल, जो हॉर्स और राइडर थे उनको ये बात पता थी कि वहाँ पे जो है वो एक रोड भी रह चुका है. व्हाट डिड दे डू ऑन द रोड, वो उस रोड से क्या करते थे, वेंट थ्रू द वुड्स, मतलब उस जंगल के रास्ते वो उस रोड से गुजरा करते थे. थर्ड, आर दी रोड्स दे साउंड्स एंड द पीपल रियल और इमेजिनरी, व्हाई, जो वहाँ का रोड था जो आवाज़ें थी और जो लोग थे वो रियल थे या फिर एक ख्याली बात थी, और क्यों, दे आर और वर रियल एंड व्हाई दे थिंक दैट, वो क्या कह रहे हैं कि वो जो लोग थे और सब कुछ था वो रियल था, वो हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग सोच रहे होते हैं उसे हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ जो थी वो रियल ही थी. अब हमारे पास सेंट्रल आइडिया, द पोएम द वे थ्रू द वर्ड्स इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, दिस पोएम इज़ वेल नोन फॉर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, इट बिगिन विद द मेंशन ऑफ अ रोड थ्रू द वर्ड्स दैट वॉज क्लोज 70 ईयर्स अगो, नाउ नो वन कुड टेल इफ देर वॉज एवर अ रोड थ्रू द वर्ड्स, नो डाउट द पोइट्री इज जेन्युइन इन इट्स थीम एंड थॉट, द पोइट अनफोल्ड्स द पास्ट मेमोरीज एंड रिवील्स पोइट्स लव फॉर नेचर. क्या बता रहे हैं, वो पोएम है द वे थ्रू द वर्ड्स रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. पोएम के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, बिल्कुल एक नेचर को डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरह से जो है वो कुदरत है, और इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पोइट हैं उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नेचर और कुदरती चीज़ें तमाम. तो उन्होंने रेफरेंस जो है ये बताया हुआ है कि उनका जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर 70 ईयर्स पहले एक रोड भी पाई जाती थी, अब वो रोड वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट फील करते हैं कि मतलब कैसा कितना अच्छा होता सब कुछ जो वहाँ पर रोड वोड होती. तो ये हो गया, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. तो अब है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, आपकी पोएम का लास्ट टॉपिक, मैच द कॉलम ए एंड बी, द रोड शट 70 ईयर्स अगो, the rain dove broods, the badgers whistle roll at ease, the otters whistles his mate, the trout ringed pool, last one the creature not frightened. Ab mai bas kya complete the following stanza or sentence, they shut the road through the woods. Weather and rain have undone it again. There was once a road through the woods. Of a summer evening, you will hear the beat of a horse's feet. Last one. But there is no road through the woods. तो ये हो गया आपकी पोएम द वे थ्रू द वर्ड्स कंप्लीट, विद प्रॉपर रीडिंग एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया एंड देन ऑब्जेक्टिव्स. यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल द वर्क इन योर नोटबुक्स, फर्स्ट यू हैव टू मेक द टाइटल पेज एंड देन ऑल ऑफ दिस वर्क. दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच.